मीडिया फिरौन मीर शकील रहमान के लिए अस्पताल में वीवीआईपी रूम, ऊपर से ठाट बाट। मीर शकील का स्टाफ नर्सिस के रवैये से भी नारवा। मीडिया फिरौन ने मेडिकल हिस्ट्री देने से भी साफ इनकार कर दिया। किस बात का आरोप है? क्या हुकूमती सतह पर कोई सपोर्ट कर रहा है? आखिर किस चीज की पर्देदारी है? जानिए इस रिपोर्ट में। मीडिया फिरौन मीर शकील रहमान जराइम की होशरुबा दास्तान, जिस पर है पंजाब हुकूमत पूरी तरह मेहरबान। गैर कानूनी अराजी अलॉटमेंट केस में गिरफ्तार मीर शकील को सर्विसेज अस्पताल के वीवीआईपी रूम में क्यों रखा गया? पंजाब हुकूमत किसी भी सवाल का जवाब देने से कासिर। सर्विसेज हॉस्पिटल में मीर शकील रहमान को वीवीआईपी रूम दिया गया है। महमूद रियाज को स्पेशली कॉल जाती है किसी बात सर पॉलिटिशियन की कि उनको वहाँ पे वीवीआईपी रूम दिया जाए, जबकि चार बेड्स ऑलरेडी खाली पड़े हैं जो जेल वार्ड सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद है, उनको वहाँ पे क्यों नहीं रखा गया? कौन सी ऐसी बात सर शख्सियत है जिसका उनको कॉल गई है, उनको वहाँ पे इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? मैडम जरा जवाब दें। नहीं, किसकी बात करें? कैम जेल के डॉक्टर इमरान तकी कहते हैं कमरा अलॉट करने का फैसला सर्विसेज अस्पताल के एमएस और प्रिंसिपल ने किया है। उसको सिर्फ मीर शकील रहमान को सिर्फ वो जो मतलब यूरोलॉजी का मसला था, यूरिन का जो ब्लॉकेज का मसला हो रहा था, उसको जो सर्विसेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, मतलब एमएस और जो प्रिंसिपल साहब, ये इनके इकदाम होते हैं। सर्विसेज अस्पताल के प्रिंसिपल ने मौकिफ देने से इनकार कर दिया। वजीर इत्तिलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने मीडिया फिरौन की मुंतकली से मुतालिक जवाब देने के बजाय राजा बशारत से राब्ता करने का कहा। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने भी मौकिफ देने से मना कर दिया। दूसरी जानिब मीर शकील का स्टाफ नर्सिस के साथ रवैया भी नारवा है। अस्पताल अमले के साथ तआवुन करने से इनकार कर दिया। मेडिकल हिस्ट्री देने का कहा तो मना कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर्स की तजवीज करदा अद्वियात भी नहीं ले रहे। अस्पताल जराए का कहना है कि यही रवैया रहा तो मीडिया फिरौन को वापस भेज देंगे। मीडिया फिरौन मीर शकील रहमान के लिए अस्पताल में वीवीआईपी रूम, ऊपर से ठाट बाट। मीर शकील का स्टाफ नर्सिस के रवैये से भी नारवा। मीडिया फिरौन ने मेडिकल हिस्ट्री देने से भी साफ इनकार कर दिया। किस बात का आरोप है? क्या हुकूमती सतह पर कोई सपोर्ट कर रहा है? आखिर किस चीज की पर्देदारी है? जानिए इस रिपोर्ट में। मीडिया फिरौन मीर शकील रहमान जराइम की होशरुबा दास्तान, जिस पर है पंजाब हुकूमत पूरी तरह मेहरबान। गैर कानूनी अराजी अलॉटमेंट केस में गिरफ्तार मीर शकील को सर्विसेज अस्पताल के वीवीआईपी रूम में क्यों रखा गया? पंजाब हुकूमत किसी भी सवाल का जवाब देने से कासिर। सर्विसेज हॉस्पिटल में मीर शकील रहमान को वीवीआईपी रूम दिया गया है। महमूद रियाज को स्पेशली कॉल जाती है किसी बात सर पॉलिटिशियन की कि उनको वहाँ पे वीवीआईपी रूम दिया जाए, जबकि चार बेड्स ऑलरेडी खाली पड़े हैं जो जेल वार्ड सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद है, उनको वहाँ पे क्यों नहीं रखा गया? कौन सी ऐसी बात सर शख्सियत है जिसका उनको कॉल गई है, उनको वहाँ पे इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? मैडम जरा जवाब दें। नहीं, किसकी बात करें? कैम जेल के डॉक्टर इमरान तकी कहते हैं कमरा अलॉट करने का फैसला सर्विसेज अस्पताल के एमएस और प्रिंसिपल ने किया है। उसको सिर्फ मीर शकील रहमान को सिर्फ वो जो मतलब यूरोलॉजी का मसला था, यूरिन का जो ब्लॉकेज का मसला हो रहा था, उसको जो सर्विसेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, मतलब एमएस और जो प्रिंसिपल साहब, ये इनके इकदाम होते हैं। सर्विसेज अस्पताल के प्रिंसिपल ने मौकिफ देने से इनकार कर दिया। वजीर इत्तिलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने मीडिया फिरौन की मुंतकली से मुतालिक जवाब देने के बजाय राजा बशारत से राब्ता करने का कहा। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने भी मौकिफ देने से मना कर दिया। दूसरी जानिब मीर शकील का स्टाफ नर्सिस के साथ रवैया भी नारवा है। अस्पताल अमले के साथ तआवुन करने से इनकार कर दिया। मेडिकल हिस्ट्री देने का कहा तो मना कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर्स की तजवीज करदा अद्वियात भी नहीं ले रहे। अस्पताल जराए का कहना है कि यही रवैया रहा तो मीडिया फिरौन को वापस भेज देंगे।